के गोले छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पानी दिल्ली के सारे बॉर्डर से स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है। प्रशासन किसानों को रोकने लिए पूरी वाह लगा रहा है। सिंगू मुंडका ते टिकरी बॉर्डर ते पुलिस ते किसानों विचाले जम के तकरार भी हुई है। किसानों ते हंजू गैस ते वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने दिल्ली बहादुरगढ़ हाईवे नेड़े टिकरी सर ते प्रदर्शनकारी किसानों को खड़ाने लिए वाटर कैनन ते अथरू गैस के गोले वरते हैं। इस तो अलावा हिसार रोहतक सरहद ते भी भारी हंगामा वेखन नूं मिलिया। पुलिस ने किसानों ते अथरू गैस के गोले सुट्टे। दिल्ली पुलिस वालों किसानों की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। सरकार तो नौ स्टेडियम को अस्थाई जेल में बदलने की मांग की गई है। उधर दिल्ली जाने अड़े किसानों नरेंद्र तोमर और राजनाथ सिंह ने अपील की है कि अंदोलन छड़ के गलबात का राह अपनाया जाए। किसानों ने दिल्ली में प्रवेश कर दिया है और पानी की बौछारें छोड़ी जाएंगी। अब पानी की बौछारें छोड़ी जाएंगी किसान, और किस तरह से आप देख सकते हैं किसान पूरी तरह से तैयार है। किसान और पुलिस सेना आमने सामने हो चुकी है। माहौल बिगड़ चुका है दिल्ली में, किसानों के बीच में और सेना के जवानों के बीच में आमने सामने हो चुका है। किस तरह से आप देख सकते हैं किसान दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं फेंसिंग को तोड़ दिया गया, तारों को तोड़ दिया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पानी की बौछारें की जा रही है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। माहौल पूरा बिगड़ चुका है। लगातार आंसू के गैस के गोले, लगातार आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए किसान देख सकते हैं। लगातार पुलिस के अधिकारी और किसान आमने सामने, लेकिन जो माहौल है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए जिस कारण एक दो गोलों को किसानों ने इधर भी घेरा उस गोलों को, और खड़ा हो पाना आंसू गैस के गोलों में आसान नहीं होता। गले में चरमराहट होती है, आंखों में चरमराहट होती है, जिस कारण आपको लगातार लाइव कवरेज देने में कुछ प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। लेकिन आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से माहौल हाथ से बेकाबू होता हुआ लगातार पुलिस अपनी तरफ से कोशिशें करती हुई ताकि दिल्ली में आने से रोका जा सके, दिल्ली में आने से किसानों को रोका जा सके। और इस समय दिल्ली से आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और लगातार किसान उधर से पथराव करते हुए और इधर से पुलिस की तरफ से पथराव होते हुए। लेकिन आपसी भाईचारा और शांति जरूर बनाकर खड़ी चाहिए, नहीं तो माहौल हाथ से बेकाबू हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। इसलिए ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टुडे।